नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नीट पीएनएसटी बायोलॉजी की तैयारियों के लिए बने रहे समाधान स्टडी क्लासेस के साथ स्वागत है आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है साथियों, तो सभी साथी हमसे जो जुड़ चुके हैं, सभी हमारे साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में वंशागति के प्रकार को पहचानिए। प्रभावी एक्स सहलग्न, अप्रभावी एक्स सहलग्न, प्रभावी वाई सहलग्न, साइटोप्लाज्मिक या माइटोकॉन्ड्रियल वंशागति। साइटोप्लाज्मिक या माइटोकॉन्ड्रियल वंशागति, सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। साइटोप्लाज्मिक या माइटोकॉन्ड्रियल वंशागति का जो ये आरेख है, यह जो बना हुआ है, यह साइटोप्लाज्मिक या माइटोकॉन्ड्रियल वंशागति का आरेख है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न वंशावली आरेख दर्शाता है। जो वंशावली आरेख है यह क्या दर्शाता है? वाई गुणसूत्र द्वारा वहन किए जाने वाला लक्षण, लिंग सहलग्न अप्रभावी लक्षण, लिंग सहलग्न प्रभावी लक्षण, अप्रभावी स्वजाति लक्षण। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। वाई गुणसूत्र द्वारा वहन किया जाने वाला लक्षण, ये जो निम्न वंशावली आरेख है यह वाई गुणसूत्र द्वारा वहन किए जाने वाला लक्षण को प्रदर्शित या दर्शाता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न वंशावली आरेख दर्शाता है, चित्र को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ए है अप्रभावी व स्वजातीय, बी अप्रभावी एवं लिंग सहलग्न, प्रभावी व लिंग सहलग्न, प्रभावी एवं स्वजातीय। जो वंशावली आरेख है वह किसे दर्शा रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अप्रभावी एवं स्वजातीय वंशावली को दर्शा रहा है यह आरेख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति जिसके पिता को वर्णांधता थी का विवाह ऐसी स्त्री से हुआ जिनके पिता को भी वर्णांधता थी, उनकी प्रथम संतान पुत्री थी, कितने प्रतिशत संभावना है कि उनकी इस संतान को भी वर्णांधता होगी? 100%, 0%, 25%, 50%। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। 50% चांसेस उसके वर्णांध होने के हैं, तो यहाँ 50% ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प अत्यधिक उपयुक्त रूप से हीमोफीलिया को वर्णित करता है? एक्स सहलग्न अप्रभावी जीन विकार, गुणसूत्री विकार, प्रभावी जीन विकार, अप्रभावी जीन विकार। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, एक्स सहलग्न अप्रभावी जीन विकार जो है वो अत्यधिक उपयुक्त रूप से हीमोफीलिया, जो आनुवंशिक रोग है हीमोफीलिया, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला रोग, उसको वर्णित करता है। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक लिंग सहलग्न प्रभावी रोग है, यह अप्रभाविता मादा वाहक से नर संतति में संचरित होता है, किसी मादा के हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होने की संभावना अत्यंत दुर्लभ होती है, रानी विक्टोरिया के वंश की वंशावली हीमोफीलिया से पीड़ित अनेक वंशजों को दर्शाती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए, ए हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ यह सत्य कथन नहीं है, यह एक लिंग सहलग्न प्रभावी रोग है, यह कथन यहाँ पर असत्य है। यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है कि जो रानी विक्टोरिया के वंश की वंशावली हीमोफीलिया से पीड़ित अनेक वंशजों को दर्शाती है। जो
विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया, उनकी जो वंशावली थी वह हीमोफीलिया रोग से ग्रसित थी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसके पिता वर्णांध थे का विवाह ऐसी पुत्री स्त्री से हुआ जिसकी माता वर्णांध थी। एक व्यक्ति जिसके पिता वर्णांध थे ऐसी महिला या स्त्री से विवाह किया जिसकी माता वर्णांध थी एवं पिता सामान्य थे। इस युग्म की नर संतान के वर्णांध होने की कितने प्रतिशत संभावना है? 25%, 0%, 50%, 75%। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25% चांसेस उसके वर्णांध होने के होंगे। तो जो 25% हमारा सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया में एक एकल प्रोटीन प्रोटीन श्रृंखला का भाग जो डेस में सम्मिलित है, इन्वॉल्व है, प्रभावित है, एक घाव लगने से ही डैश रक्त स्त्रावण होने लगता है। एबीसी के लिए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए स्कंदन या जमाव, बी आरबीसी, सी सतत, ए स्कंदन, बी डब्ल्यूबीसी, सी सतत, ए स्कंदन, बी रुधिर, सी सतत, ए स्कंदन, बी रुधिर, सी असतत। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हीमोफीलिया में एक एकल प्रोटीन श्रृंखला का भाग रुधिर के, बी में रुधिर के स्कंदन में सम्मिलित है, प्रभावित है, एक घाव लगने से सतत रक्त स्त्राव होने लगता है। एबीसी के लिए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन जो हमारा सी होगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ए स्कंदन, बी रुधिर, सी सतत। ध्यान से देखिएगा कि पहले बी दिया है, श्रृंखला का भाग जो रुधिर, मतलब यहाँ पर जो बी ब्लैंक दिया है वह जो है वो रुधिर, यहाँ पर बी में रुधिर दिया गया, तो रुधिर के स्कंदन में सम्मिलित है। ध्यान दीजिएगा कि रुधिर के स्कंदन में सम्मिलित है, प्रभावित है, एक घाव लगने से सतत रक्त स्त्रावण होने लगता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत्र कोशिका अरक्ता में ए व्यक्ति बी फिनोटाइप को प्रकट करता है किंतु वे रोग सी होते हैं क्योंकि उत्परिवर्तित जीन के संतति में संचारित होने की संभावना 50% होती है। एबीसी के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन, ए समयुग्मजी, बी प्रभावित, सी वाहक, ए समयुग्मजी, बी अप्रभावित, सी वाहक, ए विषमयुग्मजी, बी अप्रभावित, सी वाहक, ए विषमयुग्मजी, बी प्रभावित, सी वाहक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। दांत्र कोशिका अरक्ता में विषमयुग्मजी अप्रभावित, विषमयुग्मजी व्यक्ति अप्रभावित फिनोटाइप को प्रकट करता है किंतु वे रोग के वाहक होते हैं, रोग के वाहक होते हैं जिनकी संतति में संचरित होने की संभावना 50% है, 50% होती है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठवीं स्थिति पर उपस्थित वैलिन को प्रतिस्थापित करने पर व्यक्ति निम्न में से किससे पीड़ित हो जाएगा? हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, दांत्र कोशिका अरक्ता, डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हीमोफीलिया। नेक्स्ट है, दांत्र कोशिका अरक्ता में जी ए जी
को निम्न में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? GGA, GUG, AAG, GGG। राइट आंसर ऑप्शन बी, GUG जो है इसके द्वारा GAG को प्रतिस्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में परिवर्तित नहीं होता है, यह स्थिति निम्न में से किसमें देखी जाती है? दांत कोशिका अरक्ता, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाइल कीटोन्यूरिया में कौन सा एंजाइम अनुपस्थित होता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन रिडक्टेज, फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज, फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडिरोक्टिडेज। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सीलेज जो है वह फिनाइल क्यूटोन्यूरिया में एंजाइम अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया में फिनाइल एलिनिन में किसमें परिवर्तित हो जाती है? निम्न में से किसमें परिवर्तित हो जाती है? जो फिनाइल क्यूटोन्यूरिया में फिनाइल एलेनिन जो है वो निम्न में से किसमें परिवर्तित हो जाती है? एसिटिक अम्ल, फिनाइल एसिटिक अम्ल, फिनाइल पायरविक अम्ल, पायरविक अम्ल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फिनाइल पायरविक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाइल कीटोन्यूरिया निम्न में से किस प्रकार का रोग है? अलिंगी प्रभावी, अलिंगी अप्रभावी, लिंग सहलग्न अप्रभावी, लिंग सहलग्न प्रभावी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अलिंगी अप्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन चक्र के दौरान क्रोमैटिड के पृथक्करण की विफलता के परिणाम स्वरूप गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि या कमी हो जाती है जो कहलाती है एन्यूप्लाइडी, हाइपोपॉलीप्लाइडी, हाइपरपॉलीप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एन्यूप्लाइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य जोड़े का चयन कीजिए। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या 21 की अतिरिक्त अनुकृति, टर्नर सिंड्रोम मादा में एक्स गुणसूत्र की कमी, पॉलीप्लाइडी पौधे में देखी गई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान में लगाए गए एक पौधे में एक विद्यार्थी द्वारा कोशिका की टीलोफेज अवस्था का अवलोकन किया गया। उसने शिक्षक को बताया कि यह कोशिका टीलोफेज अवस्था की अन्य कोशिका के समान नहीं है, इस कोशिका में कोशिका पट्टी का निर्माण भी नहीं हुआ है, इस प्रकार कोशिका में अन्य विभाजित होने वाली कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक संख्या में गुणसूत्र होने वाली कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक संख्या में गुणसूत्र उपस्थित है, इसके परिणाम स्वरूप होगा पॉलीप्लाइडी, सोमाक्लोन क्लोनल वेरिएशन, पॉलीटेनी, एन्यूप्लाइडी।
ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, पॉलीप्लाइडी परिणाम स्वरूप जो है पॉलीप्लाइडी होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी को क्रमशः किस रूप में दर्शाया जाता है, एन माइनस वन एन प्लस टू, टू एन प्लस टू, टू एन प्लस वन, टू एन माइनस वन, टू एन प्लस वन, टू एन माइनस टू, टू एन प्लस वन। मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी, राइट आंसर ऑप्शन सी, जो टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन के रूप में मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी को क्रमशः दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, ट्राइसोमी है टू एन माइनस वन, टू एन प्लस टू, टू एन प्लस थ्री, टू एन प्लस वन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, टू एन प्लस वन जो है वह ट्राइसोमी होता है और जो मोनोसोमी है वह टू एन माइनस वन होगा, तो ऑप्शन जो डी है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव कीजिए, खांचयुक्त जीवा डाउन सिंड्रोम, गायनेकोमेटिया स्तनों का विकास, अल्पविकसित अंडाशय टर्नर सिंड्रोम, कोई पुंजातीय मांसल विकास नहीं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कोई पुंजातीय विकास नहीं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, यह गलत जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसके परिणाम स्वरूप होता है, एक्स एक्स अंड एवं वाई शुक्राणु, एक्स एक्स अंड एवं एक्स वाई शुक्राणु, एक्स अंड एवं एक्स वाई शुक्राणु, एक्स वाई अंड एवं एक्स शुक्राणु। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वह किसके कारण होता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक्स एक्स अंड एंड जो है वाई शुक्राणु के द्वारा होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कॉलमों का मिलान कीजिए, कॉलम ए कॉलम बी, ए बी ओ रुधिर समूह, विसंकर संकरण, पृथक्करण का नियम, एक संकर संकरण, स्वतंत्र अपयन का नियम, क्षार युग्म का प्रतिस्थापन, जीन उत्परिवर्तन, बहुगुण एलीलवाद। ए फोर टू वन थ्री, टू वन फोर थ्री, फोर वन टू थ्री, थ्री टू थ्री फोर वन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ए बी ओ रुधिर बहुगुण एलीलवाद, पृथक्करण नियम द्विसंकर संकरण, स्वतंत्र अपवयन नियम एक संकर संकरण, जीन उत्परिवर्तन क्षार युग्म का प्रतिस्थापन। चार दो एक तीन का जो पेयर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, चार दो जो चार उसके बाद में एक दो पेयर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, कॉलम ए में दिए गए पदों का कॉलम बी में दिए गए पक्षी उनके विवरण से मिलान कीजिए, इस एवं सही विकल्प का चयन कीजिए, प्रभाविता कई जीन एकल लक्षण का नियमन करते हैं, सहप्रभाविता विषम युग्मजी जीव में केवल एक युग्म विकल्पी स्वयं को व्यक्त करता है, बहुप्रभाविता विषम युग्मजी जीव में दोनों विषम युग्म विकल्पी स्वयं को पूर्णतः व्यक्त करते हैं, बहुजीनी वंशागति एक जीन कई लक्षणों को प्रभावित करता है, कोड ए टू थ्री फोर वन, फोर वन टू थ्री, फोर थ्री वन टू, टू वन फोर थ्री।
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रभाविता विषम युग्म जीव में केवल एक युग्म विकल्पी स्वयं को व्यक्त करता है, सेकंड हो जाएगा प्रभाविता का। बी का थर्ड होगा सप्रभाविता विषम युग्मजी जीव में दोनों युग्म विकल्पी स्वयं को पूर्णता व्यक्त करते हैं। सी का फोर होगा बहु प्रभाविता एक जीन कई लक्षणों को प्रभावित करता है। और डी का वन होगा कई जीन एकल लक्षण का नियमन करते हैं। तो 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 का जो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम ए का मिलान कीजिए। निम्न कॉलम का मिलान कीजिए अपैतृक जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्स वाई लिंग गुणसूत्र लिंग संलग्न रोग हीमोफीलिया पुनः संयोजन। कोड ए 4, 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 1, 3। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अपैतृक जीन विनिमय पुनः संयोजन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर लिंग गुणसूत्र एक्स एंड वाई हीमोफीलिया लिंग सहलग्न रोग। जो जो हमारा 4, 1, 2, 3 का जो पेयर होगा वह राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कॉलमों का मिलान कीजिए। ए बी ए अलिंगी गुणसूत्र सहलग्न अप्रभावी लक्षण डाउन सिंड्रोम लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग फिनाइल क्यूटोन्यूरिया अलिंगी अप्रभावी लक्षण से सहलग्न उपापचयी त्रुटि हीमोफीलिया अतिरिक्त 21वां गुणसूत्र दात्र कोशिका अरक्तता। कोड ए 4, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 4, 3, 3, 4, 1, 2। राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 4, 1, 2, 3। अलिंगी गुणसूत्र सहलग्न अप्रभावी लक्षण जो है वो दात्र कोशिका अरक्तता संबंधित है। फिर लिंग सहलग्न प्रभावी रोग डाउन सिंड्रोम अलिंगी अप्रभावी लक्षण से सहलग्न उपापचयी त्रुटि जो है फिनाइल क्यूटोन्यूरिया अतिरिक्त 21वां गुणसूत्र हीमोफीलिया। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कॉलमों का मिलान कीजिए। जीव गुणसूत्र संपूरक फल मक्खी 2n = 6+xy पक्षी 2n = 14+xx टिड्डा ग्रॉस हॉपर 2n = 16+xo मानव 2n = 44+xy। एक दो तीन चार दो तीन चार एक तीन ए चार एक दो दो एक चार तीन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 फल मक्खी पक्षी टिड्डा ह्यूमन जो है वो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। सभी मिलान सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न कॉलमों का मिलान कीजिए। ए एकल गुणिता 2n-1 मोनोसोमी 2n+1
नलीशोमी 2N+2, ट्राइसोमी 2N-2, टेट्रासोमी N। सही मिलान करना है A 5-1-4-2-3, 5-2-4-1-3, 1-5-3-4-2, 2-1-3-4-5। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। एक गुणिता जो है वह एन होगा। मोनोशोमी 2N-1, नलीशोमी जो है वह 2N-2, ट्राइसोमी 2N+1 और जो टेट्रासोमी है वह 2N+2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए 5-1-4-2-3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मेंडेलियन विकार है, थैलीसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, उपरोक्त सभी। मेंडेलियन विकार, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। मेंडेलियन विकार, थैलीसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, सभी यह जो है मेंडेलियन विकार है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन विभिन्न समूह बनाते हैं जो कि उनकी सापेक्ष दूरी पर निर्भर करते हैं। एक संलग्न समूह बनाते हैं, कोई भी संलग्न समूह नहीं बनाते। पारस्परिक समूह बनाते हैं जो कि फिनोटाइप को प्रभावित करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, एक संलग्न समूह बनाते हैं। समान गुणसूत्र पर स्थित सभी जीव एक संलग्न समूह बनाते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लंबे पौधों के बीच संकरण से संतति में कुछ बौने पौधे प्राप्त होते हैं। दोनों जनकों का जीनोटाइप क्या होगा? TTNTT, 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 TTNTT। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्विसंकर संकरण में यदि 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त होता है तो यह प्रदर्शित करता है दो जीनों के युग्म विकल्पी जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। यह एक बहुजीनी वंशागति है। यह एक बहुगुण एलीलवाद की स्थिति है। दो जीनों के युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, दो जीन के युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडेलियन द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी में जीनोटाइप एवं फिनोटाइप की संख्या होगी। फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 16, फिनोटाइप 9, जीनोटाइप 4, फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 8, फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 9। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 9। नेक्स्ट है, दो जीन ए एवं बी संलग्न हैं। द्विसंकर संकरण जिसमें दो जीन सम्मिलित हैं F1 विषम युग्मनज को समयुग्मनज अप्रभावी पैतृक प्रकार के साथ संकरण कराया जाता है। अगली पीढ़ी में संतति का अनुपात क्या होगा? 1:1:1:1, 9:3:3:1, 3:1:1:1। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 1:1। तो डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के स्वतंत्र अपवयन के नियम उन जीनों के लिए उत्तम है जो स्थित होते हैं विषम जातीय गुणसूत्र पर, समजातीय गुणसूत्र पर, अतिरिक्त नाभिकीय अनुवंशिक तत्व में, समान गुणसूत्र पर। बी ऑप्शन राइट होगा,
समजातीय गुणसूत्र पर जो मेंडल के स्वतंत्र अपूहन के नियम जो हैं कि उत्तम जो स्थित होते हैं वह समजातीय गुणसूत्र पर होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहा गया है कि मेंडल द्वारा प्रस्तावित किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक असतत एवं स्वतंत्र होते हैं। यह प्रस्ताव कौन से कथन पर आधारित है? एक किसी संकरण के F3 पीढ़ी के परिणाम, इस संकल्पना पर कि किसी दो पर्याय विपर्याशी लक्षण वाले पौधे के मध्य संकरण द्वारा उत्पन्न संतति में एक लक्षण बिना किसी सम्मिश्रण के उत्पन्न होता है। F1 संततियों में स्वपरागण, F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ पर परागण। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक संकल्पना पर कि किसी दो विपर्याशी लक्षणों वाले पौधे के मध्य संकरण द्वारा उत्पन्न संतति में एक लक्षण बिना किसी सम्मिश्रण के उत्पन्न होता है। तो बी जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो सभी साथी नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आइएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, सभी का सम्मान कीजिए, पढ़ते रहे समाधान स्टडी क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।